हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल कश्मीर फूड फ्यूजन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन हेयर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू रिमेन अपडेटेड आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे चिकन बिरयानी कैसे बना सकते हैं क्योंकि ये बार बार रिक्वेस्ट की गई है इसलिए हमने आपके लिए खास तौर पर स्पेशल चिकन बिरयानी रेसिपी दिखाई है आप ये रेसिपी ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा आई एम sure श्योर जब आप एक बार खाएंगे आपको पता चलेगा ये कितना टेस्टी है और आप बार बार बनाना चाहेंगे तो आप ये रेसिपी ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा बनाइएगा हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड विजन पे हमने लिया है एक पूरा चिकन वन एंड हाफ़ के जी काकुरेढ़ किलो तक है ये इसको अच्छे से वॉश करना है फिर हमने लिया है चार मीडियम साइज अनियन प्याज़ गंड फिर हमने लिया चार कप सिला राइस के सिला राइस ही प्रेफ़र करना चाहिए बासमती के कंपैरिजन में क्योंकि इसके जो ये चावल है खिले खिले रहते हैं टूटते नहीं हैं इसको हमने एक घंटा सो करके रखा है फिर यूज़ हमने किया है पाँच ग्राम कर्ड या योग जाम दूध और किलो फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं मस्टर्ड ऑयल ये हमने यूज़ किया है इसमें कुकिंग के लिए फिर यूज़ किया है हमने यहाँ पे देसी घी या क्लैरिफाइड बटर विनेगर सर्क जिंजर गार्लिक पेस्ट लहसुन अदरक पेस्ट रेड चिल्ली पाउडर बाजुल मरच वाँगन टर्मरिक लेदर, फेनल सीड पाउडर बद्यान पाउडर कोरियंटा पाउडर धानवल पाउडर चिकन मसाला पाउडर सॉल्ट नून केवरा वाटर इसे बहुत अच्छी खुशबू आती है चावल में फिर क्लोज रोंग फिर यूज़ किए हैं हमने नट मैग जिसको जैफल बोलते हैं ये देखिए ये ऐसा होता है आपको बाज़ार से आराम से मिलेगा फिर मेस या जावित्री ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे आपको बाज़ार से ज़रूरी है बिरयानी के लिए फिर यूज़ किए हैं हमने इसमें ब्लैक कार्डमम बड़ी इलायची बुडअल ग्रीन कार्डमम छोटी इलायची निचल ब्लैक पेपर काली मिर्च, मर्च फिर दालचीनी की स्टिक सिम स्टिक बेलीज या तेज पत्ता फिर हमने फ्रेश मिंट लाया है पुदीना पुदन और फ्रेश कोरिएंडर, दानवल फिर हमने लिए हैं चार ग्रीन चिलीज नील मरचवांगन सुअर अब अच्छा सबसे पहले हमें मिक्सर ग्राइंडर में इनका बिरयानी मसाला पाउडर बनाना है इसलिए हमने नट मेग एक डाल दिया जायफल और तीन मेस फ्लावर्स जावित्री दो सिनेमन स्टिक्स जाएंगे इसमें दालचीनी फिर दो बे तेज पत्ता फिर ब्लैक कार्डिमम एक और ग्रीन कार्डिमम पांच की सीड्स बुडोल निचली बेल फिर दस क्लोव द रोंग टू टी ऑफ ब्लैक पेपर हमने लिया है इसमें दो चमच मर्च फिर हमें इसको फाइन बिरयानी मसाला पाउडर बनाना है ये देखिए ये पाउडर जो बन गया है इस, इसको हम एक छोटी चम्मच वन टी स्पून उठा के रखेंगे राइस के लिए जो डाल देंगे और बाकी हम यूज़ करेंगे मैरिनेशन के लिए हमने लिया है दही एक मिक्सिंग बोल में और उसमें हम डाल देंगे यही जो हमने बिरयानी मसाला पाउडर बनाया इसके दो टेबल स्पून दो बड़े चम्मच ये मैरिनेशन के लिए हम मैरिनेट बना रहे हैं अब नमक इसमें ऐड करेंगे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने फिर एक बड़ी चम्मच जाएगा इसमें चिकन मसाला पाउडर फिर एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर वजल फिर एक बड़ी चम्मच फेनल सीड पाउडर बद्यान या सौफ का पाउडर फिर हाफ टी स्पून जाएगा कोरिएंडर पाउडर दानवल पाउडर और वन बाई थर्ड टी स्पून जाएगा हल्दी का लेदर फिर दो बड़ी चम्मच जाएगा इसमें विनेगर या सरकम फिर इन जगह पेस्ट पेज आएगा दो बड़ी चम्मच टू टेबल स्पून अब अच्छे से आप इनको मिक्स करेंगे ये हमारा मैरिनेट तैयार हो गया है मैरिनेशन के लिए और इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि स्पाइसेस जो है उनमें लंप्स ना रहें वो अच्छे से मिक्स हो जाए कर के, के साथ तो आप ये हाथ से भी कर सकते हैं हाथ का इस्तेमाल करके आराम से आप स्पाइसेस को मिक्स कर सकते हैं अब हम ये लेंगे मैरिनेट और ऐड कर देंगे इस चिकन में जो हमने रखा है क्लीन करके बड़ी मिक्सिंग बोल में देखिए अब जाएगा इसमें एक बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल का इससे बहुत अच्छा कलर आएगा स्पाइसेस का और टेस्ट को भी एनहांस करते हैं ये मैरिनेशन में डालने के टाइम अब अच्छे से आप मिक्स करेंगे और हर एक चिकन पीस पे कोट करेंगे ये मैरिनेड ये देखिए आपको मेक श्योर sure करना है कि हर एक चिकन पीस कोट हो जाए इसे अब डालेंगे हम फ्रेश कोरिंडा के लीव्स जो हमने चॉप किए थे दानवल थोड़ा सा हैंडफुल एक छोटा हैंडफुल अब आप इसको कवर करके रखेंगे तकरीबन एक घंटा या आधा घंटा अब हम लेंगे सेफ्रिन और तब तक इसको हम दूध में रखेंगे जब तक बाक़ी चीज़ें तैयार करेंगे ताकि कलर दे दे इसमें ये देखिए तकरीबन एक घंटे के बाद हम इसको रिमूव करेंगे कवर अब डाल देंगे हम मस्टर्ड ऑयल एक पैन में और जब ये गर्म हो रहा होगा साथ में हम घी ऐड कर देंगे ये घी से इसको टेस्ट और एनहेंस होगा और क्योंकि मस्टर्ड ऑयल ऑलरेडी डालकर है तो ये घी जो है जलेगा नहीं अब इसमें डाल देंगे हम प्याज जो हमने काटे थे ये देखिए इनको फ्राई करना है इस पर साथ में ही आप सेपरेट प्याज फ्राई कर सकते हैं जो हमें एंड पे डाल देने हैं वो वाले प्याज लेकिन आप बहुत डार्क ब्राउन कीजिएगा जैसे प्रान को करते हैं वैसे ये वाले उतने नहीं करने हैं ये देखिए जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इसमें हम हाँ ऐड कर देंगे ये चिकन जो है मैरिनेशन के साथ और अब इसको हमें कुक करना है जब तक ना तेल सेपरेट हो जाए करी से और ऊपर आ जाए और कुक हो जाए चिकन भी और स्पाइसेस भी और दही भी तो इस तरीके से आपको इसको स्टर करना है फिर आप कवर करके रख सकते हैं और इन बिटवीन चेक करिएगा कि स्टिक ना करे पैन पर और ये कुक हो गया है या नहीं ये देखिए हमने तकरीबन दस से पंद्रह मिनट बाद फिर से कवर रिमूव किया और चेक किया अब फिर से हम इसको थोड़ा स्टर करेंगे ताकि ये करी जो इस पे बॉटम पे ना पैन पे स्टिक करे आपको तब तक कुक करना है जब तक इसको ऑयल सेपरेट ना हो जाए और ऊपर ना आ जाए और करी रिड्यूस ना हो और चिकन सॉफ़्ट ना हो जाए एटी परसेंट तक इसी में कुक होने में ही तो ये देखिए चिकन जो है वो 80 परसेंट तक इसी में सॉफ्ट होना चाहिए बाकी रिमेनिंग वो हो जाएगा राइस के साथ इस स्टेज पे आप सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हैं करी का तो आप चेक करके देखेंगे अब हमें जो सिला राइस है इसको हमने वाटर में से स्ट्रेन किया है छाना है अब लिया हमने पैन में पानी उसमें डाल दिया है दस से बारह ब्लैक पेपर काली मिर्च चार लौंग हरी मिर्च या, हरी मिर्च डाल दिया दो तीन जावित्री डाल दिया है दो मेस फ्लावर्स और तेज पत्ता एक और तीन बड़ी चम्मच सॉल्ट के ये सारा हम डाल रहे पानी में जो एक बहुत बड़े पैन में लिया है जिसमें हमें राइस जाएगा अब देसी घी हमने ऐड कर दिया आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं समर में आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं लेकिन विंटर में ऑयली कीजिएगा वरना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा अब जाएगा बिरयानी मसाला तकरीबन एक छोटी चम्मच अब केवरा वाटर एक बड़ी चम्मच अच्छे से मिक्स करेंगे आप ये बिरयानी मसाला वही है जो आपने मिक्सर में बनाया था अभी फिर चार छोटी इलायची और सॉल्ट यहाँ पे आप एडजस्ट कीजिए क्योंकि राइस का टेस्ट अच्छा होना चाहिए जो हमारे सीला राइस उसमें फ्लेवर अच्छा आना चाहिए इसका हम वेट करेंगे बॉईल होने का और इसमें हम डाल देंगे सीला राइस जो हमने अभी स्ट्रेन की थी पानी फेंक दिया था उसमें सोव करके था वो ऑलरेडी एक घंटा उसके बाद हमने वो वाटर फेंक दिया अब जाएगा वो इसमें जब ये बॉयल हो जाएगा तब तब तक नहीं ऐड कीजिएगा जब तक इसको उबाल ना आए तब तक आप इसमें चावल नहीं ऐड कीजिएगा अभी उबल रहा है इसलिए हम इस चावल इसमें ऐड करेंगे और ये सारे मसाले हमने डाल दिए ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आए स्पाइसिस का चावल में फिर ये स्पाइसिस हम वापस निकाल देंगे इसमें क्योंकि चावल में अच्छा नहीं लगता बीच में स्पाइसिस खाना ये देखिए आपको तब तक कुक करना है इस पर अब जब तक ना ये भी एटी परसेंट तक कुक हो जाए वो आपको इस तरह समझ में आएगा कि हाथ से आराम से टूट जाएगा और मसला भी जाएगा लेकिन थोड़ा सा इसमें रहना चाहिए वो चावल का ब्रिटलनेस लगना चाहिए कि पूरा कुकड नहीं है आप ये दांत से भी खा सकते हो देख सकते हैं कि अच्छे से हुआ है कुक की नहीं अगर ये पूरा कुक हुआ है आपको उतना स्टेज पे नहीं करना है आपको 80 परसेंट तक ही कुक करना है ये क्योंकि आप फर्दर ट्वेंटी परसेंट ये फिर बिरयानी में कुक होगा तो एटी परसेंट तक की कुक हो गई है अब हम इसको ये फेंकेंगे वाटर स्ट्रेन करेंगे ये देखिए और क्योंकि इसमें बाकी सारे स्पाइसेस हमें रिमूव करने हैं इसलिए हमें बड़े ट्रे पे डाल देंगे और सेपरेट करके रखेंगे ये ग्रेन्यूल्स ताकि फर्दर कुकिंग ना हो इसमें क्योंकि फर्दर कुकिंग होगी तो हमारी जो बिरयानी है वो दम पे अच्छे से कुक नहीं होगी तो इसलिए हम इसको अच्छे से स्प्रेड करके रखेंगे चावल को किसी बड़े से प्लेट ट्रे किसी पे भी और जो स्पाइसेस हमने डाल दिए थे वो इसमें रिमूव कर देंगे जितना आपको पॉसिबल है स्पाइसेस रिमूव करना दिखेंगे उतना आप रिमूव कर दीजिए इसमें ताकि खाने के बीच में ये ना आ जाएं। ये देखिए अब लेंगे हम बड़ा सा पैन और उसमें जो हमें एक चिकन करी बना दी थी अभी हमने उसका ऑयल डाल देंगे बॉटम पर इससे अच्छे से ये कुक होता है और ये अच्छे से रब करेंगे हम इसके बाद जाएगा लेयरिंग लेयरिंग में फर्स्ट लेयर जाएगी इसमें राइस की ये सिला राइ जो हमने किया था अभी रखा था ट्रे पे ठंडा होने के लिए उसकी फर्स्ट लेयर चली गई इसके बाद डाल देंगे हम चिकन जो हमने कुक किया था एटी परसेंट करी के साथ डाल देंगे वो ये देखिए फिर मैं आपको बोल चुकी थी कि, कि आप प्याज थोड़े फ्राई कीजिएगा प्राण की तरह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी डार्क ब्राउन अब हम वो ऐड कर रहे हैं इसमें और कोरिएंडर है दानवल धनिया वो भी ऐड कर रहे हैं साथ में फिर जाएगा इसके ऊपर सेकेंड लेयर ऑफ राइस राइस की दूसरी लेयर जाएगी अच्छे से कवर करना है आपको हर तरफ़ से देखिए इसके बाद हम डाल देंगे चिकन की नेक्स्ट लेयर यहाँ पे चिकन भी एटी परसेंट कुकड है और राइस भी और राइस में बता चुकी हूँ आपको कैसे समझ में आएगा एटी परसेंट कुकड है वो टूटना चाहिए हाथ से और मसाला जा मसला जाना चाहिए लेकिन पूरा नहीं वो होना चाहिए सॉफ्ट जितना हम खाते हैं कुक होने के बाद ये देखिए अब हम डाल रहे हैं चिकन के बाद फाइनल लेयर राइस की तो आपको ऐसे ही करना है ऑल्टरनेट लेयर्स चिकन और राइस की अब प्याज जाएंगे क्रिस्पी फ्राइड अनियंस डार्क ब्राउन किए हुए जो हैं इसके बाद सेफन हमने रखा था इसमें मिल्क में डुबो के वो देखिए आपसे कलर कितना अच्छा आ चुका है तो ये हम डाल देंगे कहीं कहीं पे ताकि चावल जो है उसका कलर वहाँ पे थोड़ा येलोविश हो जाए इसके बाद हमने ये फूड कलर लिया है पानी में मिक्स किया है आप ये अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है आप इसके बदले जो मवल होती है उसका पाउडर बना के उसको कर सकते हैं ऐड पाउडर मवल को पानी में डाल सकते हैं उसका भी कलर आ जाएगा वो ऐड कर सकते हैं फिर ऊपर डाल दिया हमने कोरियनडल लीव्स फिर से धानवल फ्रेश चॉप्ड धनिया हल्का सा पानी ऐड कर दिया इसे जो से वो अच्छे से खिला खिला आता है अब डाल देंगे हम इसमें केवरा वाटर भी एक बड़ी चम्मच ये देखिए अब एक पैन रखेंगे आप बर्नर पे और उसको फुल फ्लेम पे रखेंगे ताकि जो पैन है वो गर्म हो जाए इस पे रख देंगे आप ये पैन और हमने इसको सिल्वर फॉइल से कवर किया था और फिर हमने इसको 20 मिनट कुक किया सिम पे पहले पाँच मिनट रखना है हाई फ्लेम पे फिर 20 मिनट करना है कुक सिम पे और अब आप देख सकते हैं हमने उठा दिया 20 मिनट के बाद इसको ये लिड और आप देख सकते हैं कि ये बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है पैन पे ही हमने किया है कुक इसको डायरेक्ट हीट नहीं दी है फ्लेम नहीं दी है और देखिए जो एक चावल है पूरा खिला खिला है ये टूटे नहीं हैं बिल्कुल ब्रेक नहीं हुए हैं चावल तो आप ये रेसिपी ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा हमें इसका फ़ीडबैक सेंड कीजिएगा हम आपका फ़ीडबैक शेयर करेंगे अपने फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा